आज आपको इंस्टेंट और क्विक जो है चटनी बनाना बता रही हूँ, जो कि ग्रीन बिल्कुल कलर अच्छा उसका आता है और थिकनेस उसकी पूरी है। और ये मैंने ग्रीन लिए कोरिएंडर लीव्स, और ये थोड़े से पुदीना लिए और कैप्सिकम लिए एक पीस, और थोड़ी सी मैंने जिंजर और मिर्ची जो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, और ये रोस्टेड चना लिया है, इससे जो चटनी की थिकनेस और बढ़ी जाएगी। और एक मैंने लेमन जूस लिया है और इसको हम सबको डाल देते हैं। इसको डंडी में सारा डालना है, और जिंजर भी मैंने लिए। अब अगर लहसुन खाते हो तो गार्लिक भी आप डाल सकते हो कुछ कलियाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। इसको भी हम चॉप करके ऐसे डाल देते हैं, ये भी हम रोस्टेड चना डाल देते हैं, लेमन जूस डाल देते हैं, और इसमें वाइट सॉल्ट डाल देते थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। ये देखिए ब्लैक सॉल्ट डाल दिया मैंने, चिली जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, तीखा जितना भी आपने खाना है। और इसको अब मैं ग्राइंड करके लाती हूँ। ये कुछ ब्रांचेस मैंने कड़ी लीव्स की भी ली है, इतने सारे ये पत्ते हैं, ये देखो 5-6 डंडियाँ मैंने ये ली कड़ी लीव्स की, वो भी इसमें डालते चटनी में। कोरिएंडर लीव्स की चटनी बन के रेडी हो गई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ग्रीन कलर आया है इसका। और इसको हम बाउल में डालते हैं, ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी बनके रेडी हो गई है। कितना कलर अच्छा आया है इसका ग्रीन। ये मेरे किसी व्यूवर्स की और सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि आप हमें मैम इनकी ग्रीन चटनी बना के दिखाओ, और जो खाने में भी अच्छे लगे, टेस्ट और थिकनेस भी हो। और हम जब बनाते हैं तो हमारी काली हो जाती है, तो हमें ग्रीन ग्रीन कलर वाली चटनी चाहिए, वो बना के हमें बताओ। तो सो मैं उनके पसंद के लिए मैंने बनाई है चटनी, सो आप भी बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी ये चटनी कैसे बनी, आपकी ये चटनी कैसे बनी। जिस सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताते रहें कि आप मेरी रेसिपी को ट्राई करते हो और कैसी लगती है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।